गाइज, तो सारे ने मेरी राम राम भाइयों, मेरा अगला ब्लॉग शुरू हो गया है। अरे मैं ब्लॉग बना करूंगी, क्यों मैंने जो कल ब्लॉग दे रहा था ना, उस पर तुमने इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट कर रहे थे, मेरा को जीरा जी हो गया थारे कमेंट देख कर ना, क्यों मैंने साथ पढ़ना आवे है। तो भाइयों, एक ना ब्लॉग पे यो कमेंट कर रहा है अके गोबर ब्लॉग बनाओ है, तो भाइयों मैं उसते न्यू बताना चाहूं, ससरे तेरे त्री मत क्यों करो ही मेरे ब्लॉग के बारे में उल्टा सीधा बोलन की, और वो भी गोबर बताओ मेरे ब्लॉग ने। बात सुन, तू गोबर, तेरा बाप गोबर, तेरा पूरा खानदान गोबर, जो मेरे ब्लॉग ने गोबर बताओगा तो मैं और भी मुंडी बोलूंगी तेरे तय। और क्यों देखा कर तू मेरे ब्लॉग, ससरा तेरा भजड़ता है, मत देखा कर मेरे ब्लॉग, तू जरूरी बड़का के बाप का डब्बी पाओगा, जब तक इतना उल्टा सीधा बोला है ना, तेरा मतलब के हड़ फालतू चकड़बाजी करण का, छोरी उठेगा मेरे आगे तक कोई जरूरत नहीं है मेरे ब्लॉग पान की, बेबात की बात करेगा रे। तो भाइयो, तम है ना, तम मैंने सही बताए जाओ, बस मैं ब्लॉग बनाती रहूंगी इसे इसे सांडा की मैं कौन मान्या करती, ये तो फालतू के बंदे हो हैं, इनके खुद तक कुछ करना बस की नहीं, मारे जैसे कुछ करें तो मारे जी से ना उल्टा सीधा बोल कर रोकने की कोशिश करे। अरे मैं तब लोग न्यू बना हूं, दो पीछे आ जाएंगे भाइयों, मेरा घर चल जाएगा, बता इसका क्यों दर्द हो या सांड का है, यो गोबर ब्लॉग बना हुआ है, बेबात की बात करे। अच्छा भाइयों देखो, टाइम हो गया है 11:15, रोज 11:15, 11:30, 12:15, न्यू टाइम हो जा रोज, इतनी वारी वारी खटोली में पड़ू मैं, अरे ना भाइयों काम ना इतना हो जाए, मैं है ना एक दिन खुद थारे ता अपने घर का होम टूर करवाऊंगी, तारा है ना खुद है यकीन हो जाएगा कि मैं सही कहूं हूं गलत कहूं हूं, इतना काम हो जाए भाई, इतना बड़ा घर है, जितना होम टूर करवाऊंगी ना उस दिन है ना होम टूर में पूरा ब्लॉग बन जाएगा, इतना बड़ा घर है, इतना काम हो जाए, पागल हो ही रूम है सारा दिन। तो चलो भाइयों देख, घनी वार हो रही है, ई मैं सो जाऊं, पड़ जाऊं जाकर खटोली में, तो तड़के मिलूंगी मैं थारे था सारे था, जब तक तुम भी सो जाओ करो आराम। हेलो गाइज, तो मैं तड़के सूती उठ ली हूँ, उठ कर मैंने चाचू पी ली है, अरे आज मारी शूटिंग है, शूटिंग की मैं तैयारी में लाग रही हूँ, ये देखो मैं दाल छोकर लाग रही हूँ, दाल छोकन है, फिर मैं अपने शूटिंग खातिर तैयार हो जाऊंगी, यो देखो मैंने ये चावल भे रखे, चावल बना दूंगी बाबू बेटा का, अपना खाना तैयार करके ना और मैं दूर हो जाऊंगी, तो देखो मैं अपने तौली तौली कर का काम, और यो तो मैं देखा देख, यो मिर्च का पेड़ा दिखा है, इसको इतनी लंबी लंबी मिर्च लग रही है, बढ़िया बढ़िया कती कची कची, मैं बहुत ध्यान रखू इनका, तोड़ नाले ना कती ताक मेरा वह है कोड़ बतोड़ा, पर मैं पूरा ध्यान रखू हूँ। तो चलो गाइज मिलते हैं शूटिंग पर। हेलो गाइज, क्या मुंडी कॉलिंग में तो कती है जमाए, यो देखो मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है, राम राम भाई सारे ने, ले लो भाई की राम राम, और यो देखो आए छोटा पटाका बोलना देख, अरे बढ़िया त्रिया बोल, क्या था बोल रहा है, बढ़िया हूँ बढ़िया एकदम, किसा लग गया यो शूटिंग चल रही है हमारी, निकल क्या घंटे से हम फंसा आज, अरे 2-3 घंटे हो गए हैं और साढ़े 9 बजे का निकले और है यो 12 बजे पहुंचा है मैडम, ये देखो सारे बैठे हैं, तो हमारी शूटिंग शुरू होगी भाइयों, चलो मिलते हैं कुछ देर के बाद। तू गड़ा शाना बना है, कदा गड़ा बोलना आओ है, और तू लेकर लाओगा अंग्रेजी में, अंग्रेजी बोलूंगी, मेरा बस की अरे गुस्सा क्यों करो, गुस्सा मत करो ना, गुस्सा क्यों करो, लड़ो मत आपस में, तू तो अपना डेट फूटिया हा, सारा दिन हो गया अड़ा गांव में, 2-3 जोड़ी तो मैंने लत्ते बदली कर लिया, इतने का तो बस अपन के साथ, क्योंकि 3 साल पुल रहे बाबा ताड़ा लग रहा मेरी शीति सी करण, अरे आंटी देखियो मेरी कितनी दूर तक पूरे प्रॉपर डायलॉग दे, जिसे डायलॉग देंगे उसे बोल लगा, इसी है यहाँ पर रूल भी, यहाँ सारे डायलॉग दे दे हैं, और आपके नखरे हो जाकर हर बार में, जब मैंने निकाली मैंने शूटिंग पे बुलाओ ना, आ तो मैं अपने हिसाब से बोलूंगी, मैं खरे हिसाब से कोने बोलूं, मेरे बस की कोने अंग्रेजी बात, आंटी गर्मी हो रही फटाफट डायलॉग दे खत्म करो ना, क्यों कर रहे हो इतना, कती कितनी बूंदी तो पैरी में तो पागल मान गए, आप पी के लाल भी तो खड़े हैं, ये और भाई भी तो खड़े, ये भी पहला पसीने आ रहे हैं, अभी गर्मी बहुत हो रही है, कर लो सीन कर लो, फिर पसीने मेरा नहीं आते, थर थर आवे है, मन्ना के दुखी कर रहे हो, कल इतनी हक गया था मैंने शूटिंग पर बुलाने की, कौन है मैंने 300 रुपया की, हम लोग भी तो आए थे दूर से, ये तो देखो, अरे आंटी अब तो कर दो, ऐ तो चलन है, अरे दस रे कंडा है डेम फुटिया, मरूंगी कोनी, तू भी पागल है क्या, अरे सुन रे
मेरे 300 रुपया भेज दिया कर रहे बता दी है ना घर आकर जुलूस काट दूंगा बड़ा शूटिंग तो करवा दो पूरी से चल रहा है चल तो शूटिंग मैंने इसी शूटिंग ना की ऐड में जा रहे पैकअप मैंने करते भाई बस बस हेलो गाइज तो देखो दे खड़े सारे सांड इनकी गले में तो लड़ाई मचा का आएगी सीन भी उल्टे सीधे थे मैं भाइयों मेरे तक ऐसा नो हुए थी पागल से तो अपना काम करना है मन्ना को थरे सूट साठ की जरूरत है मन्ना बुलाइए इतने भरोसा हूँ माया चाल के कोई जरूरत नहीं है मेरी गले आड़ा फालतू चिकड़बाजी करने की सांड तू के करना आ गया तब भाजन उल्टा चल मैं तो अपनी माँ की गला रहूंगा देख गाइज इवनिंग का रहे 500 रुपये दे देंगे देखो गाइज 500 में मड़ा लालच सता आ गया के गुरु तू बता 500 मिल लेंगे वो भी 300 में ना मक्खर रहते सूट गाइज है 2 घंटे और काम में खड़े हो लेंगे 500 खता होगा अच्छा तो एक मैं मड़ा गरना संभाल आऊं आऊं मड़ी देर में तो चलो गाइज 200 रुपये बता दिए मन मड़ी देर में हेलो गाइज गाइज तो मन नू बताओ ये मैं शूटिंग पे का जूता बजा का आ गई अब क्यों वे मेरे तो सीन है ना थोड़े उल्टे सी दे दे थे अंग्रेजी में बोलने के जो करे सारा में बोलिया करे मेरे तो इतना न्यू ना बोलिया जाता मैं अपनी हरियाणवी बोल सकू हूँ तो गाई जू ने ना 200 रुपये और बता दिए 500 में बात बनया करेगी वे तो ये मैंने जाना चाहिए उल्टा कि नहीं जाना चाहिए ये मैं सोचू हूँ मैं चली गई तो वेन्यू कहेंगे 200 के लालच में डूब का आ गई या लगाई और ना जाऊं तो 500 रुपये जाओगे के करूं मैं न्यू करूँ गाइज मैं अपने 300 लेने के बन जाऊंगी हैं यो आइडिया ठीक है ना तो चलो मिलती हूँ गाइज थोड़ी देर में मैं चलिए जाऊं क्यों 500 रुपये खोए घर के कई सौदे आ जाएंगे तो चलो गाइज चली जाती हूँ मैं शूटिंग पे हेलो गाइज तो देखो मैं शूटिंग पर आज आई थी लड़ाई मच गई थी मैं गई नहीं थी तो देखो ये मना मनान खतराड़े आ गए यो देखो छोटा सा पटाका बैठा निखिले कर मना आया हूँ अपने मेरे बिना इनका सूट को ना होया इतने सस्ते में कौन मिल है तो चलो गाइज मिलते हैं ये भी इन खातर मैंने ठंडा ठंडा मंगवाया है ये 500 रुपये देंगे सो तो न्यू समझ लो खत्म गए तो या बात तो गाइज मैंने उनके आगे गलत बोल दी है ना न्यू नहीं बोलना चाहिए चर्चा तो फिर भी बचे हैं अच्छा चलो गाइज मिलते हैं ये मैं तो बात कर लूं तो फिर मिलते हैं हेलो गाइज देखो हमारी बात पक्की हो गई है आगे मैं इनके सूट पर चली जाया करूंगी ये देखो छोटा बम बड़ा पटाका क्या का आकर इन्हें इन्हें ढंग से देखा देना उठला हाँ ना नाप के दिखाऊं 1 2 3 4 बुलंद का हो 4 बुलंद का ये तो है अपर ना कति इतनी बड़ी एक्टिंग कर रहा है यो अच्छा अच्छा ने फैल कर दे है तुमसे कम हैं एक नंबर का बालक है यो और क्या साल का बता दे अट्ठाईस साल का है और कोई लड़की हो ना भाई इसके लायक तो बता दियो सॉरी ज्यादा बताया कम को अट्ठाईस का ये है और देखो भाइयों या बैठी देख कून में छुप के बैठी है इस खातिर भी कोई बढ़िया सा लड़का हो ना तो बता दियो या जिम्मेदारी भी मेरी है इसका भी ब्याह मन नहीं करना है तो चलो गाइज मिलते हैं बाय बाय हेलो गाइज गाइज कई जने ना घर ना आए हैं मेरे ब्लॉगा के बारे में बोलने न्यू कहे हैं आंटी इस तरीके तो ना बोलिया करते जो कर आप ब्लॉग बनाओ न्यू तो सारे घर वाले की बेइज्जती हो है चलो मैं तुमने थरे आगे बात करूंगा ये देखो ये सारे बैठे ये न्यू को है हेलो गाइस तो क्या हालत है रे
ले बताओ क्या गलत बोलूं रे मैं। कुछ गलत ना बोलती, किसने कही है? एकदम कह रहे थे न्यू भी कोई ब्लॉग बना आकर बोलन का तो तरीका होना चाहिए। फिर वो तरीका ना उसको बोला सहूलियत सेंस इंग्लिश में है ना। मन ने शकान चाल लिया है अक न्यू ब्लॉग ना बना आकर खुद बोलने की कल को ना ले इस पर काट दिए दांत रे सही नहीं कहती फिर मैं। अच्छा तो न्यू बुलाया था मैं बेइज्जती करने खातिर। बेइज्जती करने खातिर रे इन ने कहूं मैं। अच्छा इसमें बेइज्जती की कौन सी बात है मैडम है ना। ये तो बोलेगा हम तेरी आमा रखेंगे। हां अरे मुकर गए ई पे मेरे पे आशा है देयो पीछे ने बैठकनी हां यो के सौदा है योरी का है आंटी न्यू ब्लॉग ना बना कर तू सिखाओगा मने कौन सी दा बड़ो टेढ़ा है। अच्छा ये फोन पकड़ना भी तू सिखाओगा मने सुना पकड़ा ले मैं तू पकड़ना ना मैं पकड़ू मैडम मैं सब कुछ पकड़ना जानू हूं तब मने पागल मना मानो आए चाल के ये सिखाओगे मने बोलना पागल हूं मैं। वही तो मैं इस समय देखने लग रही रख जाने हाँ चाल के बंद कर है फोन ने मन कति पागल मन है मेरे तो जुकर बोलिया जा ना मैं गणा सही बोलू हूँ। अरे जलते जलो अरे नून मरच बरकाओ बस फालतू बोलना ना करिया डे। तो चलो गाइज मैं इनता बात कर लू ये केस होता है मेरे आगे तो मैं फिर मिलती हूँ थारे तय जब तक मैं करती हूँ अपना ब्लॉग बंद।